तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास सेवेंथ की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस। एंड ये चैप्टर है हमारा पैरामीटर एंड एरिया। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक रेक्टेंगुलर लैंड है जिसका डायमेंशन दे रखा है 500 मीटर लेंथ है और ब्रेथ है हमारी 300 मीटर। तो इसका एरिया फाइंड करना है और कॉस्ट ऑफ द लैंड फाइंड करना है। अगर एक मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे रखा है हमारा 10,000। बहुत ही ईजी है। एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एल इन टू बी। तो एरिया का फॉर्मूला हम एल इन टू बी निकल के पुट करके इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, तो नीचे चलते हैं। सो क्या होगा बेसिकली हमारा इसमें, एल हो जाएगा हमारा 500, बी हो जाएगा हमारा 300 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा एल इंटू बी। तो 500 मीटर इंटू 300 मीटर विच इज 51,50,000 मीटर स्क्वायर। तो ये निकल गया हमारा एरिया ऑफ द लैंड, स्क्वायर है ये मीटर स्क्वायर। अब आता है हमारा द कॉस्ट ऑफ द लैंड। तो एक मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे रखा है 10,000। तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या होगा, सिंपली आपको 10,000 को मल्टीप्लाई कर देना है एरिया से, तो कॉस्ट ऑफ द लैंड निकल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपको सिंपली कॉस्ट ऑफ द लैंड निकालने के लिए क्या करना होगा, कॉस्ट ऑफ द लैंड बेसिकली 10,000 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ लैंड एंड विल गेट कितना है ये हमारा 150 करोड़ रुपीज। तो 150 करोड़ रुपीज का कॉस्ट है इस लैंड का। ठीक है, तो सिंपली आपको एरिया ऑफ द लैंड को मल्टीप्लाई कर देना है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एंड यू विल गेट द आंसर। अंडरस्टूड। सो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। सो यहाँ दे रखा है हमारा कि फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पैरामीटर इज 300 मीटर। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ईजी है। तो आपको कुछ नहीं करना है। तो आप गाइज इस क्वेश्चन को ट्राई करो खुद, उसके बाद मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए नहीं कर पाए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो यू शुड ट्राई बाय योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन मोर एंड टू बेसिकली आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हो क्वेश्चन को समझ के। ट्राई करके देखो, नहीं समझ में आता तो आई विल टेल यू द सॉल्यूशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।